बैनर्स देखे हैं आपके, तो आप इंडिपेंडेंट जो है ना उसके लिए कर रहे हैं, तो आपके जो आबाऊ अजदाद हैं उनका लिंक जो है वो नून लीग से था, तो ये क्या चक्कर है? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने कर लिया मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोगों के फैमिली टर्म्स हैं नून लीग के साथ, हैं या थे अब पता नहीं इसको कैसे कहना चाहिए, लेकिन फसा दिया मैंने मुझे आपने स्पीचलेस कर दिया, मैं इस पर क्या आपको कमेंट दूँ। मतलब आप इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? इनडायरेक्टली कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा। वो अलैकुम साहिबान कदरदान, नाम है मेरा ज़ुहैब कामरान आज। हाँ जी हाँ जी, ये मुझे नहीं मिले, ये किसी और के हैं। आप समझ रहे होंगे कि अवार्ड मिल गया, ऐसे ऐसा कोई कारनामा नहीं किया फिर भी अवार्ड मिल गया। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ एक लेजेंड अदाकार जिनका नाम अभी मैं आपको नहीं बताऊँगा, उनके घर पर हम मौजूद हैं। वैसे तो काफ़ी सारे लेजेंड्स गुजर चुके हैं, ये भी गुजर चुके हैं, अल्लाह पाक इनको जन्नत नसीब फरमाए। और तकरीबन इन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया है, तकरीबन 300 प्लस फिल्में हैं जिसमें इन्होंने काम किया है, जिनमें तकरीबन बुढ़ा गुज्जर, उसके अलावा मलंगी मूवी है जो जिसमें इन्होंने काम किया, और अवार्ड जो उन्हें मिले हैं, और ये जो अवार्ड मैं लिए बैठा हूँ ये भी उनको मिला है, फिल्म फेयर अवार्ड है, और उसके अलावा ये जो गोल्ड मेडल है ये 2004 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के तौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे उन्होंने दिया था। तो उनके पोते से भी बात करेंगे, उनके जो बाकी हैं अजदाद उनसे भी बात करेंगे, उनके घर की भी आपको ज़रा सैर करवाएंगे। वैसे तो आबाई घर उनका यहाँ पे नहीं है जहाँ हम बैठे हैं, वो कसूर में है उनका आबाई घर, यहाँ पे हम उनके पोते से मिलने आए हैं, तो उनसे बात करते हैं। आइए, जाना नहीं है, बहुत ही मज़े की बातें करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं खालिद भाई? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप अलहमदिल्ला अलहमदिल्ला ठीक। आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और आपसे मिल के ना ऐसे फील हो रहा है कि हम वो यूसुफ साहब के साथ ही बैठे। नहीं नहीं सर, यूसुफ खान साहब का तो एक माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको मुकाम दिया था, एक इज्जत से नवाजा था, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो हम लोग तो उनके पास से भी नहीं गुजरे यार। बाकी तरबियत होती है उनकी, उनके अखलाक जो आप सीखते हो, तो ये बस सिर्फ एक उसी की झलक है जो आप देख रहे हैं। अच्छा, आपने उनके साथ कितना अरसा गुजारा? मैं जब से अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में होश संभाली, मैं पैदा हुआ, तो मैं उन्हीं के माँ बाप के बाद उन्हीं की गोद में उन्हीं के साथ बड़ा हुआ। इवन दो कि उंगली पकड़ के चलना ही मुझे मेरे दादा अबू ने सिखाया, अम्मी अबू ने नहीं सिखाया। और जब 2009 में 20 सितंबर को अनफॉर्चुनेटली वो अल्लाह ताला को प्यारे हुए, अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत फरदौस में आला मुकाम अता करे, तो वो मेरी लास्ट मोमेंट थी। यानी मैंने होश उनके सामने संभाली और उनको अपने हाथों से ही मतलब उनको ये दुनिया फ़ानी से कूच करते देखा। अच्छा, और उसके अलावा मुझे उनके ना कुछ लाइफ के बारे में आप थोड़ा बताइएगा। यूसुफ खान साहब एक ऐसी हस्ती हैं, वो एक ओपन बुक है, दुनिया को उनके बारे में पता है माशाल्लाह से, इतनी को अजीम हस्ती। पहले तो अगर हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात करें, मैंने इतनी अजीम हस्ती अपनी दुनिया में अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। जो मुझे सबसे खूबसूरत चीज़ उनकी लगती थी, ये नहीं कि वो मेरे दादा अबू हैं, एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक कलमा गो होने की हैसियत से बात कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे क्लिक की वो ये थी कि जब भी हम सब के महबूब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक आता था, या जब भी वो जिक्र मुबारक नबी करीम मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करते थे, तो वो ज़ारों के तार रोना शुरू हो जाते थे, उन पर कपकपी तारी हो जाती थी, और वो इतनी मोहब्बत करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी आल मुबारक से। ऐसी मोहब्बत मैंने नहीं देखी कि आप किसी अवार्ड शो में हैं, आप किसी गैदरिंग में हैं, जहाँ पे जिक्र नबी करीम मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया वो बंदा ज़ारों के तार रोना शुरू हो गया। और मेरे ख्याल से यही कुछ रीजंस थी जो उनकी इज्जत का सबब बनी, कि वो अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करते थे, या फिर अल्लाह कहता था मेरे महबूब से मोहब्बत करते हो मैं तुमसे मोहब्बत करूँगा। तो वो एक बहुत ही अग्रेसिव गुस्से वाले लेकिन इंतहाई असूल पसंद नफीस बंदा, जिसने कभी किसी की कोई दिल आजारी नहीं की, कभी किसी की कोई हक तलफी नहीं की, हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश। मुझे ये बताइएगा आप कि कभी आप उनके साथ शूटिंग पे गए थे? कौन सी मूवी थी वो, जब अगर कोई गए भी थे आप शूटिंग्स पे? बेसिकली उन्होंने ना हम लोगों को, दादा अबू के जो बड़े थे बुजुर्ग थे हमारे, पर दादा मेरे बैरियर टेट थे फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, और वो हम लोग बेसिकली पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर्दा बहुत स्वेर किस्म का है। तो दादा अबू के बड़ों की कोशिश थी कि ये डॉक्टर बने, और ये कहते थे डॉक्टर में भी टारा आता है और एक्टर में भी टारा आता है, मैं एक्टर क्यों ना बनूं। तो जब ये फिल्म इंडस्ट्री में आए, इनके माँ बाप ने इनको घर से निकाल दिया था, इनके साथ सब कुछ ख़त्म कर दिया था कि जी आपने इसको मतलब अच्छा ही नहीं समझते। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी एक शूटिंग में किसी शेर के साथ इनका आमना सामना होता है जिसमें ये ज़ख्मी होते हैं, फिर ये घर आते हैं, माँ ज़ख्मी देखती है तो माँ को बताते हैं कि माँ तेरा पुत्र जो है एक काम करूँ तो पहले वजू करता है,
धुप्पा च खलोंदा है, इन बड़ी लाइटा के अगे, और फिर शेर से भी लड़े, तब इस तरह तो स्टंट ये सब खुद करने पड़ते थे। आज तो सब कुछ चेंज हो गया है, तो वो फिर इनकी खैर एक वो आए, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री से इन्होंने अपने घर वालों को हमेशा दूर रखा, अब्बू को, हमें, लेकिन हम क्योंकि एक वो कहते हैं ना, दादे पोते का रिश्ता एक अजीम रिश्ता होता है, इस जैसा रिश्ता कोई नहीं होता, तो हम रो धो के उनके साथ चले भी जाते थे। तो कई मूवीज़ की शूटिंग्स पे बूढ़ा गुजर हो गया, आराइंदा खड़ाक, दादा बदमाश, कई शूटिंग्स पे, कई शूटिंग्स में उनके साथ हम गए हैं। अच्छा, अभी आपने बात की है कि उनके घर वाले जो थे, मतलब जो उनके अबावज दाद थे, उनके बड़े जो थे, उन्होंने बोला कि आपने फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो आप घर से चले जाएँ, वट्सट्रा जिस तरह भी था, तो उस हवाले से फिर मुझे ज़रा बताइएगा कि जब वो कामयाब हो गए तो फिर घर वालों के क्या रिएक्शंस थे? कामयाब होने पे भी जो मेरे परदादा हैं अल्लाह बख्शे, वो एंड तक नाराज़ ही थे ना, वो इनकी जो कमाई थी जो ये कमा के लेके आते थे ना, वो उसको एक्सेप्ट करते थे, और ना एंड तक ही दादा बू जो उनके वालिद साहब थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट ही थे। लेकिन माँ माँ होती है, कुछ चीज़ें गुजरी, जो बंदा होता है उसका करेक्टर ही जाना जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि वो इस तरह का बंदा था कि वो शूटिंग करने से पहले वजू कर रहा है, तो आप इमेजिन करें उसके बाद, मतलब उसकी क्या सोच होगी उस बंदे की कि वो जो भी काम कर रहा है उससे पहले अल्लाह को याद कर रहा है, वजू कर रहा है। तो घर पर दादा मेरे एंड तक अगेंस्ट थे, बट परदादी मेरी ने फिर इसको कंप्रोमाइज और सेक्रीफाइस कर लिया था। लेकिन अभी तक, आज तक कभी किसी स्टार को, कभी किसी इंडस्ट्री के किसी पर्सन को परमिशन नहीं थी कि वो घर विजिट करें, वो मिलने आए, ना कभी कोई आया, और ना मतलब उन्होंने हम लोगों को और इस फैमिली को इस इंडस्ट्री से टोटली दूर रखा कि यार मैं तो आ गया, तुसी बचे रहना, तुसी नहीं आना। अच्छा, वैसे मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आप जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे आ गए, वो एक्टर थे तो इस लाइन से, वो मेरे ख्याल से पहले ही आपने जवाब दे दिया, तो थोड़ा आप ना इसे एलैबोरेट करके थोड़ा बता दीजिए। पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स का तो ये सीन है, देखें पॉलिटिक्स बेसिकली कहते किसको है, पॉलिटिक्स कहते हैं एक बेसिकली सामाजिक कारकुन है। सामाजिक कारकुन मींस जिसने लोगों की खिदमत करनी है, लोगों के काम करने हैं, और अगर इसको सही वे में देखा जाए तो इससे बड़ा बेहतरीन फरीजा कोई है ही नहीं इंसानियत की खिदमत का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में तो हमारे सियासतदानों का सीन ही कुछ ओवर है, क्योंकि सियासत मेरे हिसाब में, मैं एक छोटे से लेवल पर, एक छोटी सी स्टेज पर कर रहा हूँ, सियासत एक ऐसी चीज़ है कि आप इतने पैसे, एक अरबों खरबों रुपया भी लेके आ जाए ना और लोगों के कामों के लिए लगाएं, जितनी दुनिया को आज ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाता है, वो भरता नहीं है, सियासत से आप कमा नहीं सकते। लेकिन आज आप हमारे सियासतदान देखें, भरे पड़े, चपरासियों के पास भी पैसे हैं, वो फलूदा बेचने वालों के पास भी पैसे हैं, सफ़ेदपोश लोग इधर मर रहे हैं, वो चक्कर ही कोई नहीं है जी। आप अगर इन लोगों की प्रॉपर्टीज़ ही देखें, मुझे किसी एक पॉलिटिशियन का, किसी एक बच्चे का दूर से बता दें यार, जिसका फ्यूचर सिक्योर ना हो या जिसके पास बैंक बैलेंस ना हो, मतलब इस चीज़ की कुछ समझ नहीं आती। पॉलिटिक्स का शुरू से शौक है सिर्फ इस हद तक के लोगों के काम कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, बाकी ये तो हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स को लेके किसी और तरफ गए हुए हैं। काल के हकीकी से जा मिलने से पहले उन्होंने कोई वसीयत भी की होगी आपको, और कोई विश भी होगी उनकी, उस हवाले से मुझे कुछ बताइएगा। उनकी विश यही थी कि हमेशा अपने बड़ों को उनका नाम याद रख के चलना, ये चीज़ अपने जहन में रख के चलना कि हमको उन्हें देखें। वो अब अगर तो आप, अगर लोगों को जो देखने वाले हैं काफ़ी हद तक दुनिया को उनके बारे में पता है वो किस तरह के इंसान थे, तो उनकी कोशिश यही थी कि यार इस तरह की ज़िंदगी गुजारना कि फ़ख्र से कह सको कि हम मुसलमान हैं, अपने दीन की किसी तरह खिदमत करने की कोशिश करना, लोगों की खिदमत करने की कोशिश करना। उनका कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ये फ़ानी दुनिया है जिसमें एक दिन आपने इस दुनिया से जाना ही जाना है, पीछे रह जाते हैं आपके अमाल, तो कोशिश करना अमाल अपने ऐसे रखो कि मर जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखे कि यार हाँ अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बना के एक बंदे को भेजा था, तो उस बंदे का वाकई एक नाम है, ये नहीं कि सिर्फ उसके एग्जिस्टेंस में ही उसको लोग जानते हैं या उसके नेबर्स जानते हैं, बाकी दुनिया को पता ही नहीं। तो उन्होंने यही कहा था कि अल्लाह ताला ने, हम बेहतरीन उम्मत में से हैं जो नबी करीम मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ही हैं, हमारे पे तो अल्लाह ताला के इनामात ऐसे ही बहुत हैं, तो कोशिश करना अपने दीन को हमेशा साथ रख के चलो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, इस मुल्क की खिदमत करने की कोशिश करो। मोहब्बे वतन इंतहा के थे वो, इस मुल्क से उन्होंने सारी ज़िंदगी बेलोस मोहब्बत की, तो बस यही कोशिश है कि हम भी किसी तरह इस मुल्क की खिदमत कर सकें, मुल्क नहीं तो कम से कम इस मुल्क में रहने वाले जो लोग हैं उनकी किसी तरह खिदमत कर सकें, अल्लाह को राज़ी कर सकें, अपने बुज़ुर्गों को राज़ी कर सकें। जब सुना ये गया है कि जो उनका डेरा था वहाँ कोई भी आता ज़रूरतमंद तो वो वापस खाली नहीं जाता? बिल्कुल, देखें ये तो सीधी सी बात है, हमारा दीन, हमारा अल्लाह, और जो हमारे बेहतरीन हज़रत उमर फ़ारूक सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हा हैं,
उनके बारे में कहा जाता है और उनका फरमान है कि मुसलमान के घर कुत्ता भी आए तो वो खाली पेट नहीं जाना चाहिए। अगर इंसान कोई आ जाए और वो नबी करीम मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती और कलमा को, तो आप उसको कैसे खाली हाथ वापस भेज सकते हैं? तो ये मुसलमानों की शान ही नहीं है कि आपके घर कोई चल के आए और आप उसको खाली हाथ वापस भेज दो। अच्छा, आपने इस अमल को भी जारी रखा हुआ है कि बस उन्हीं तक ही महदूद था? नहीं, देखिए वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी बननी, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको बंदा करता ही रहता है, करता ही रहता है। ये चीज़ें वो है ही नहीं कि जिसको स्टॉप किया जाए। बड़ों से ये सीखा और इंशाल्लाह ताकि अहमद, मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि आगे अल्लाह ताला हमारी औलादों को भी इस काबिल करे कि वो लोगों के और नबी करीम मुस्तफ़ा पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के काम आ सके। बैनर्स देखें आपके, तो आप इंडिपेंडेंट जो है ना उसके लिए कर रहे हैं, तो आपके जो आबाओ अजदाद हैं उनका लिंक जो है वो नून लीग से था, तो ये क्या चक्कर है? ये बड़ा मुश्किल सा सवाल आपने कर लिया मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम लोगों के फैमिली टर्म्स हैं नून लीग के साथ, हैं या थे, अब पता नहीं इसको कैसे कहना चाहिए, लेकिन फंसा दिया मैंने मुझे आपने स्पीचलेस कर दिया, मैं इस पर क्या आपको कमेंट दूँ। नून लीग के साथ है था, लेकिन अब जो हालात मुल्क के चल रहे हैं, जो कंडीशंस हुई हैं, तो अब उस पर ज़मीन नहीं गवारा करता कि कंटिन्यू करें उसी लेगेसी को या उसी चैप्टर को लेके चलें। मतलब आप इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? इनडायरेक्टली कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा, वो तो यही समझ लें आप, ऐसे ही कुछ समझ लें। ऐसे ही कुछ समझने का मतलब होता है कि यही है अच्छा खालिद भाई, कोई आप मैसेज देना चाहें पॉलिटिक्स वाइज या कुछ भी? पॉलिटिक्स में आपको फंसा दिया। पॉलिटिक्स वाइज मैं यही एक मैसेज दूंगा कि जहां तक मुझे याद पड़ता है कि हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने एक टाइम में जर्मनी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसने कभी चाइना को आसान एक साथ पे कर्जे देने की मुहिम निकाली। तो इतना एक रिच कंट्री जो हमें मिला, ठीक है मुश्किल मुश्किलात थे, सब कुछ था, बट हम कहाँ खड़े थे कि हम दूसरी कंट्रीज़ को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। उसके बाद हमारे ये सियासतदान जिनकी मैंने बात की कि सियासत एक वो फरीज़ा है जो अल्लाह ताला, जो इंसानियत की खिदमत के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, हमारे सियासतदानों ने क्या किया आज तक मुझे नहीं समझ आता। मुल्की हालात आपके सामने हैं, बैंकक्रप्ट होने के पास पास हैं, और 1947 से ये सियासतदान ही हैं। अब मुझे अगर, चलो अब सियासत पे बात हो रही है, थोड़ी सी इसको डिटेल में करते हैं। गिनती की 3 से 4 पार्टीज़ हैं हमारे मुल्क की, और वो ख़ानदानी तौर पे हम लोग मुल्क पे हुकूमत करती आ रही है। पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। अगर आप पीपल्स पार्टी की तरफ चले जाएँ तो आप देखेंगे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, आसफा भुट्टो। पीएमएल नून की तरफ आ जाए, इनकी भी बड़ी रिच वो है, हिस्ट्री है, 3 दफ़ा ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मुझे बताएं, जो ये मुल्क के पैसे थे, जो ये मुल्क इतना मतलब स्ट्रॉन्ग था, वो कहाँ गया, किसने खाया? आज मुझे दुख इस बात पे होता है कि शायद आप लोगों के भी इल्म में, एक दफ़ा सेठ हाबत ने कहा था कि जी नोट पे फलाना फलाना मेरी तस्वीर कर दें तो मैं इस मुल्क का कर्जा उतार दूंगा। इसी तरह ना, मेरा मानना यह है इस पाकिस्तान में इस तरह के रिच क्रोकोडाइल और भी बहुत ज़्यादा हैं, जो खुद चाहें वो इस मुल्क का कर्जा उतार दें, उनका कोई सियासत से ताल्लुक और पार्ट नहीं है। जिन्होंने सारी ज़िंदगी खाया, जिनके बाप दादे खाते आ रहे हैं, आज भी वो हुकूमत कर रहे हैं, यार उनके पास इतने इतने अरब डॉलर्स हैं, उनके चपरासियों के पास इतने अरब डॉलर हैं, अपने को एसेट्स बेच के इस मुल्क पे क्यों नहीं, मतलब वो जाता कहाँ है यार? तो लिहाजा, अब ऊपर से एक और बड़ा मशहूर चला होगा, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, सो आई थिंक एवरीवन हैज़ अ राइट टू थिंक। और उसके बाद से मेरी किताब में, मेरी बुक्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चैप्टर एंड हो गया। वो एक अलहदा बात है कि उनके साथ टर्म्स हैं, उनके साथ ताल्लुक है, उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा। अब उसका मतलब ये तो नहीं ना कि उस ताल्लुक के चक्कर में अपने मुल्क का ही सत्यानाश और मुल्क का ही बेड़ा गरत कर दें। हम लोगों का यहाँ तक चैप्टर एंड हो गया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बाकी ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्यार करें, आप समझ रहे हैं उसके बाद देखेंगे कि कौन सी पार्टी को चूज़ करना है, फिलहाल तो इंडिपेंडेंट। ये थे हमारे साथ खालिद साहब, जो के खूबरू अदाकार मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान के पोते। तो नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस पे मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री हो इनके घर की और जो इनका आबाई इलाका है कसूर वहाँ पे, और मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान साहब की जो कब्र है वहाँ पे भी विज़िट करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।